मित्रों, हम लोग हमेशा आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि मूलतः सक्सेस का मंत्र क्या है। तो आज हम बात करेंगे कार से आविष्कार तक सब संस्कार की परिणति है, किस तरह से वह मैं बताता हूँ। मित्रों, कार हमेशा से समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। लोगों के पास बंगला हो, गाड़ी हो, तो ऐसा माना जाता है कि वो अच्छे रुतबे वाले लोग हैं और उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। और आविष्कार ज्ञान का प्रतीक माना जाता रहा है, और जो लोग आविष्कार करते हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान में समृद्ध होते हैं, ऐसी एक मनोभावना सभी के मन में आती है। तो वास्तविक तौर पे इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। अर्थात यदि पुत्र अगर अच्छा है, संस्कारवान है, तो उसके लिए धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं ही अपने लिए सारे धन उपार्जन सुख सुविधाएं संचित करेगा और बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा। और पूत अगर कपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह व्यर्थ में दिखावे में सारे के सारे धन का व्यय करेगा और अंततो गत्वा दुखी ही होना पड़ेगा। यह परिलक्षित करता है कि संस्कार के कितने महत्व हैं। वास्तविक तौर पे एक संस्कारी व्यक्ति संयम के साथ काम लेता है, और जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं धन संग्रह करने में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग तरह के व्यसन होते हैं, शराब पीना, जुआ खेलना और ऐसी कुसंगति वाली चीज़ें, आदतें जो हमको अधो पतन की तरफ ले जाती हैं, उनसे अगर बचाव कर लिया जाए तो खूब सारा धन संचय किया जा सकता है। आदमी अगर कर्मठ हो, समय का सदुपयोग करता हो, संचय करता हो, तो सच में धीरे 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 संचय हो ही जाता है और उसका सदुपयोग करके अथाह संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो आविष्कार करने के लिए केवल दिमाग की ज़रूरत नहीं है, केवल अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। केवल अध्ययन और दिमाग करने से चीज़ें एक बार दिमाग में आती तो हैं, बट उसका आगे कैसे प्रयोग करना है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आदमी को हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना पड़ता है, जिसके लिए संस्कार चाहिए, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। वो जो कंटिन्यूटी है वह भी संस्कार है, और इस प्रकार संस्कार हमको कार से लेके आविष्कार तक सभी चीज़ों को प्राप्त करने का रूप है। अब प्रश्न यह उठता है कि संस्कार में आती क्या क्या चीज़ें हैं। तो मानव जीवन के जितने भी मूल्य हैं वो सब संस्कार में आते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में यह भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पे देवता बसते हैं। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि जिस घर में कलह नहीं होता, मियाँ बीवी में आपसी समन्वय रहता है, वहाँ पे घर में शांति का माहौल रहता है। और यह बात उतनी ही सही है और कई बार इतिहास में भी देखी जाती है कि जब जब शांति का माहौल रहा है तब तब उद्योग बढ़े हैं और व्यापार बढ़ा है। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो अभिवादनशील होते हैं और नित्य तौर पे अपने से बड़ों की सेवा करते हैं, उनको चार चीज़ों में वृद्धि मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। यह बात बिल्कुल उचित है कि जो लोग बड़ों के पास रहते हैं उनको सीखने को ज़्यादा मिलता है, अपने से श्रेष्ठ लोगों से सीखने में आसानी होती है, उनका जो अनुभव है
वो हमको गलत रास्तों पे जाने से बचाता है और हमारी त्रुटियां कम होती हैं, उससे हमारी आय भी बढ़ती है, सफलता के चांसेस भी बढ़ते हैं, यश भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा गणमान्य लोग हमको जानते हैं और उसके कारण हम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पे उभरते हैं। बल भी बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोग अपव्यय करेंगे एक्सपेरिमेंट्स करने में वो खर्च नहीं होती, तो बल बढ़ता है। तो प्रोफेशनल ग्रोथ को पाने के लिए आदमी को सबसे पहले घर को शांत माहौल देना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस घर पे तो हो ही, घर के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी कंसंट्रेशन और फोकस कर सके व्यक्ति। इससे जहाँ फोकस होता है वहीं समृद्धि होती है, सफलता होती है। इसी प्रकार माता पिता के प्रति जिनकी भावना सम्मान की होती है, आदर की होती है, वो लोग कृतज्ञ होते हैं और उनको प्रकृति मदद करती है, क्योंकि जीवन में अगर किसी ने भी उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा तो उसके प्रति वह कृतज्ञ होगा। और ये आपसी सम्मान और सौहार्द की भावना व्यक्ति को अधिक सामाजिक बनाती है, और जिसके जितने नेटवर्क होते हैं उसका सफल होने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। आज देखें तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसमें नेटवर्किंग का बड़ा महत्व है, जैसे मार्केटिंग है, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इन सब में पीपल ओरिएंटेड जॉब्स रहते हैं। यानी कि आदमी सामाजिक तौर पे किस तरह से समन्वय बनाता है उसी प्रकार वह उतना ही प्रभावशाली होता है, और लोगों से काम करा सकने की क्षमता आदमी को कहीं ना कहीं चमत्कारी बनाती है, और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी अत्यंत ही प्रभावशाली होते हैं। एक सूक्ति ऐसी भी है जो कहती है कि जो ज्ञानवान लोग हैं, जो बुद्धि चैतन्य लोग हैं, वो लोग अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में और संस्कारों को अर्जित करने में गंवाते हैं, और जो लोग दुर्बुद्धि होते हैं वे अपना अधिकतर समय कलह में और व्यसनों में गुजारते हैं। और यह बात सही भी है, ऐसा होता है, और ऐसा होने से जो दुर्व्यसनी या दुर्बुद्धि लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी संपत्ति का हिस्सा गंवाते हैं, और समय भी एक तरह से संपत्ति ही है, क्योंकि ज़्यादातर समय अगर आप सृजनात्मक शक्ति में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति का भी सृजन होगा, और यदि उसको व्यर्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं वह आपको पतन की तरफ ले जाता है। वास्तविक तौर पे अगर संस्कार का मूल्यांकन किया जाए तो वह है क्या, वह है संस्कृति, एक नियमबद्ध प्रणाली, और आविष्कार करने में भी प्रोसेसेस का बड़ा महत्व है। अगर आपने जो गणमान्य नियम है उनका परिपालन नहीं किया और नियमित तौर पे जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लिए लगे नहीं रहे तो आप कभी भी आविष्कार नहीं कर सकते। इस प्रकार मित्रों, कार हो या आविष्कार, सबको प्राप्त करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है, यदि नियमबद्ध तरीके से हम अपने मूल्यों का संचलन करते रहें तो निश्चित तौर पे हमें सफलता प्राप्त होगी। मित्रों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं निरंतर आता रहूं। धन्यवाद।